तो जनाब अभी हो रही है पिज़्ज़ा की तैयारी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है कराची में, और पसीने तो ऐसे आ रहे हैं जैसे सूखने का नाम नहीं ले रहे। तो काफ़ी दिनों से क्रस्ट रखा हुआ था, हमने सोचा कि हम घर में जो है वो पिज़्ज़ा बनाएंगे, लेकिन मैं पूरी वीडियो बना चुकी थी। तो अभी मैं जब वॉइस ओवर करने लगी तो मैं आपको बता दूँ कि जो क्रस्ट हम बाहर से लेते हैं ना यार, वो कभी भी मत लेना, क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और बहुत ख़राब गुजरा। बाहर का क्रस्ट बिल्कुल भी ना लें, और बेस जो है वो उसकी खुद बनाएं पिज़्ज़ा की ना। तो अभी फ़िलहाल चिकन में काली मिर्च, अदरक, लहसुन और सोया सॉस वगैरह डाल के हमने इसको कुक करने के लिए रख दिया था, क्योंकि चिकन को घलाना था, उसके बाद फिर इसको श्रेड करना था। तो ये सारा सिलसिला जो है वो हमने किया दोपहर में, और हम तो बारिश के लिए बहुत ज़्यादा दुआ कर रहे थे कि अल्लाह करे बारिश हो जाए। तो सोचा कि आज फ्राइडे है तो कुछ लाइट सा बना लिया जाए, तो हमने इस वजह से ये बना लिया। और उसके साथ जो है वो वेजीज वगैरह जो है कट करे थे, और इसमें बारबेक्यू सॉस भी डाल दी थी ताकि थोड़ा स्मोकी फ्लेवर आ जाए। और बारबेक्यू सॉस तो वैसे मुझे बहुत पसंद है, आप लोगों को अगर पसंद है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा किस किस को बारबेक्यू सॉस पसंद है। और ये वेजीज थी, और क्योंकि मैं जो हूँ हम लोग मशरूम वगैरह नहीं खाते, ऑलिव्स खाते, ऑलिव्स मेरे पास अवेलेबल नहीं थे। और ये सरप्राइज़ पूरा किचन सरप्राइज़, अभी मेरा चूल्हा साफ़ नहीं हुआ, मैंने कहा पहले मैं जो है काम कर लूँ सारा, उसके बाद तो अभी पिज़्ज़ा बना रहे हैं। पिज़्ज़ा के लिए देखें पापा ने ये वेजीज़ काट ली, इसके लिए और कोई वेजीज़ नहीं डालेंगे ना, हम लोग मशरूम खाते हैं ना, मेरे बच्चों को शौक है। और अभी फ़िलहाल हमने जो है ना वो सारी मैरिनेशन करके जो है चिकन को नहीं आया और जो है कुक होने के लिए रख दिया, जब ये चिकन कुक हो जाएगी तो उसके बाद फिर आप लोग को बताएंगे कि किस तरह जो है घर में पिज़्ज़ा बनाएंगे, क्योंकि पिज़्ज़ा फर्स्ट तो ऑलरेडी जो है वी हैव प्रिपेयर्ड, वो हम को मतलब ऑलरेडी जो है वो मेड जो मिलता है पिज़्ज़ा क्रस्ट वो लेकर आए थे, और उसकी मैंने वीडियो आपको दिखाई थी। बस तो फिलहाल ही हो गया। और जे मेरा मुन्ना, इसकी तबीयत सही नहीं है, ऐसे खड़ा हुआ है, अभी कह रहे मम्मा मेरी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो रही है। तो बस अभी जैसे ही आगे हमारी वीडियो बढ़ेगी तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को आगे भी बताएंगे कि कैसे जो है हमने ये सारी चीज़ें बनाई हैं, और फिर आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और अचानक देखिए मौसम ने कैसी अपनी जनक करवट बदली है, इतना प्यारा मौसम हो रहा है, ये देखें वाह यार बादल देखें, अंधेरा कैसा आ रहा है, और बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा हो गया है सारे घर में। एंड लुक एट दिस, ऐसा लग रहा है मगरिब का टाइम हो रहा है ना, बस किसी भी लम्हे जो है ना बारिश जो है वो बरसने वाली है। बरस जा ए बादल बरस जा, ये मेरा बंद तूफानी बारिश जैसा है, ऐसा लग रहा है तूफानी होगी बारिश। अच्छा बस दुआ करो अल्लाह ताला खैर की बारिश कर। और भाई पिज्जा मास्टर कहाँ तक पहुँचा ये पिज्जा, ये बन रहा है भाई देसी स्टाइल पिज़्ज़ा, ये पिज़्ज़ा जैसा डू ट्राइट एट होम, और मज़े मज़े से खाएं अपने घर में सारे। शॉपिंग शॉपिंग सारी हो चुकी है, चिकन बच्ची लगी पड़ी है अपने कामों में, शिमला मिर्च फेवरेट। और दिखाओ भाई किचन की मेरी हालत अगर ऐसी छोड़ी तो बस है ना, फिर क्या होगा, फिर होगा कराट। नहीं रुताबा इसमें ना मेरे ख्याल में चीज़ और डलेगी, चीज़ को समझो चीज़ के स्लाइस से पूरा इसको ढक देना है, ठीक है। मुँह से ना आपने नहीं करी डॉपिंग, मैंने ने कराई नहीं ना, टूट गया। और ये देखें एकदम बैक साइड पे भी कैसा अंधेरा हो गया सारा, ये हमारे बैक साइड की डक है, और यहाँ पे भी जो है ना सारे जो है वो पूरा अंधेरा हो रहा है यार, लुक एट दिस। अब इससे मैं तुम्हें बांधूंगी, अजय मेरी छोटी मुन्नी का घर है अंधेरे में है भाई, व्हाट छोटी मुन्नी इज डूइंग, और ये मेरी अच्छी फेवरेट गन हो गई। और ये अचानक बारिश शुरू हो गई है, हम लोग चल रहे हैं छत पे, लेट्स गो ऑन द टॉप ओके। और भाई मैंने अपनी जो है ना, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, और वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज देखें मौसम कितना हसीन और प्यारा हो गया, इतनी तेज बारिश हो रही है, मोहसिन ओपन द डोर। और मैं इस बारिश में आ गई, मुझे ब्लॉग कवर करना था, मैंने कहा तो वो दिखा, सिर्फ तूफानी बारिश हो रही है, ये देखें तूफानी बारिश हो रही है,
तो नहा रहे हैं बेटा। तो भाई कराची वालों ले लो मज़ा आज बारिश का, क्योंकि काफ़ी दिन से वेट हो रहा था। अभी दिखा रही हूँ ना बेटा, तो काफ़ी दिनों से वेट हो रहा था बारिश का, वो सेंड स्लिप नहीं करो, और आज बारिश फाइनली हो गई है माशाल्लाह माशाल्लाह से, और बहुत प्यारा वेदर हो गया कराची का। ये देख रही हैं आप लोग हवा। और भाई अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया ना, जल्दी से कर, वरना जो है ना देख लें सपने में आके ये डराएगा आप लोगों को। पापा इस टाइम बिल्कुल ना बोलो, बारिश के टाइम, बारिश में मैं किसी की नहीं सुनती, धुआंधार बारिश हो रही। यार बारिश, अल्लाह मोहसिन पंडाले में नहा रहे हो। तो जब पेड़ों के साथ आप लोग आवाज देखे अपना नाले देखे, तो कैमरे में नजर नहीं आ रही है, वरना यकीन करें धुआंधार बारिश है। यार बहुत तेज बारिश हो रही है। मैं भी देखे मुस्तकिल तकरीबन भीग ही गई हूँ, बारिश इतनी ज्यादा तेज हो रही है। दिस इज कॉल्ड तूफानी बारिश, ये होती है तूफानी बारिश। ये लोगों ने पहले उड़ा रखा था ना तूफानी बारिश, वो नहीं होती है तूफानी बारिश। यार मैं व्लॉग बना रही होती ना तो मेरा ठिकाना ये वाला हुआ होता, मैं ना अभी भी सच्ची बारिश में ये देखें बारिश की सिचुएशन देखें, किस शिद्दत से बारिश हो रही है, और मेरे सारे कपड़े जो है ना वो सब भीग चुके हैं। यहाँ बच्चे संभालते आप लोग देखिए, छतरी बच्ची कुछ नहीं संभाली जा रही है हम लोगों से। और बस अभी पिज़्ज़ा के लिए फाइनल जा रहे हैं लोग, उनको नहा ये ना कपड़े मैंने वशीले कर लिए, अब जाके पिज़्ज़ा को बाकी शायद मुझे ही देखना पड़ेगा। अभी ये देखें बारिश का बहुत शोर हो रहा है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने मेरे चैनल को अगर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके जल्दी से करें, अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करें, और बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाएँ बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से, जैसे आप लोग सपोर्ट दिखा रहे हैं। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ये
तो बस अभी मैं जा रही हूँ पिज़्ज़ा देखने के लिए, क्योंकि इन लोगों ने पता नहीं पिज़्ज़ा का क्या हाल किया है। बारिश को देख के ये लोग ऐसे ही सारी चीज़ें छोड़ के आ गए थे, और अब देखते हैं इन लोगों ने क्या हशर किया होगा। यार बच्चों के हाथ में अगर आपने काम दे दो ना, आप उनको इंजॉय भी नहीं, आप कह भी नहीं सकते कि आप ना इंजॉय करो। तो लेट्स सी। तो फाइनली अभी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, ये देखें सारा पिज़्ज़ा हमारा जल गया। ये होता है बच्चों को देने का काम।